उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भाजपा नेता के होटल में कैसीनो चलने का मामला सामने आया है। बीती रात मेरठ जिले की कई थानों की फोर्स ने जब भाजपा नेता नवीन अरोड़ा के होटल हार्मनी इन में रेड डाली तो यहां 100 टेबल पर दिल्ली और मुंबई की लड़कियां रईस जादों और मेरठ के कई नामचीन और हाई प्रोफाइल लोगों को जुआ खेलते और खिलाते मिली। साथ ही दिल्ली और गुरुग्राम की युवतियां टेबल पर शराब परोसते हुए दिखी। इसके अलावा अर्धनग्न अवस्था में युवतियां डांस करती हुई भी नजर आई। वहीं इस कैसीनो के 100 टेबल से 1.5 करोड़ के क्वाइन भी बरामद हुए हैं। बता दें कि दबिश के दौरान पुलिस ने 6 युवतियों और 15 रईस जादों को हिरासत में लिया है, जिनमें होटल संचालक नवीन अरोड़ा, अमित चांदना, राजीव गुलाटी, मोहित कुड़ाल समेत 21 लोग शामिल हैं। वहीं कुछ लोग रेड की सूचना मिलते ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस होटल की CCTV फुटेज की मदद से उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। जानकारी के मुताबिक नौचंदी थाना क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित भाजपा नेता नवीन अरोड़ा के होटल हार्मनी में ऑनलाइन माध्यम से कैसीनो पार्टी की बुकिंग हुई थी, जिसमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, गुरुग्राम, चंडीगढ़, हरिद्वार, गोवा समेत कई शहरों से रईस जादे शामिल हुए थे। बताया भी जा रहा है कि दिवाली को लेकर होटल में ये कैसीनो शुरू किया गया था, जिसे शुरू हुए महज 10 दिन हो गए। वहीं जब इसकी भनक SSP मेरठ विपिन टाडा को लगी तो उन्होंने SP सिटी आयुष विक्रम सिंह के नेतृत्व में 3 CO और 4 थानों की पुलिस फोर्स से टीम गठित कर दी, जिसमें ASP अंतरिक जैन, CO सुचिता सिंह और CO कोतवाली आशुतोष कुमार के नेतृत्व में 4 थानों की फोर्स को लगाया गया और सोमवार देर रात करीब 1 बजे होटल पर तबिश दी गई, जहां खुलेआम कैसीनो पकड़ा गया। दर्जनों युवतियां पकड़ी गईं जो कि शराब परोसने के साथ रईस जादों को जुआ खिला रही थीं। इतना ही नहीं, कई अर्धनग्न युवतियां डांस करती हुई भी दिखीं। इसके अलावा मौके से पुलिस ने 100 टेबल से 1.5 करोड़ क्वाइन बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक नौचंदी थाना को इस टीम में शामिल नहीं किया गया था। SSP मेरठ के मुताबिक नौचंदी थाना की मिलीभगत हो सकती है, इसी वजह से नौचंदी थाने को कोई सूचना नहीं दी गई। वहीं मौके से पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ करके अन्य फरार लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही होटल से 200 लोगों का डेटा मिला है, जिसमें मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल के आधार पर उनकी तलाश की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने होटल का CCTV DVR भी अपने कब्जे में ले लिया है। CCTV फुटेज की मदद से इसमें शामिल लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। आगे की कार्रवाई को लेकर लगातार पुलिस अन्य जगहों पर भी दबिश दे रही है। साथ ही इस मामले में भाजपा नेता का नाम आने पर पुलिस लगातार शासन को भी इसकी पूरी जानकारी दे रही है। अवगत कराना है, कल देर शाम थाना नौचंदी क्षेत्र में होटल हार्मनी इन में भारी एंट्री फीस लेकर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर इसमें महिला CO सहित 3 CO की टीम फॉर्म की गई। वहां पर जब रेड किया गया तो वहां पर मिली सूचना सही पाई गई। इसमें होटल मालिक एवं संचालक समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें होटल के अंदर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने के लिए गैम्बलिंग एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। होटल की CCTV फुटेज पुलिस ने ले ली है। होटल की जो अन्य परमिशन है उसकी जांच हेतु अन्य संबंधित विभागों से इसमें पत्राचार किया जा रहा है।